भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने चुनाव घोषणा पत्र बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वासियों से घोषणा पत्र बनाने के लिए सुझाव मांगा और कहा कि बीजेपी जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। अत्यंत खुशी हो रही है कि आप सबके बीच में सामूहिक रूप से आज बैठने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और आप सब बहुत कम समय के सूचना में यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु भाइयों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और घोषणा पत्र समिति की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मुख्य बात यहाँ पर हमारे बीच में सम्माननीय सिद्धार्थ जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख हैं, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी हैं, हमारे अपने आप जाने पहचाने, हमारे बीच में घोषणा पत्र समिति के सचिव संभाजी भाई पंकज झा जी हैं, मीडिया के हमारे प्रमुख प्रदेश के भाई अमित सिंघानी जी और घोषणा पत्र समिति में सहयोगी के रूप में पत्रकार मीडिया जगत से हमारे भाई अनुराग अग्रवाल जी हैं। आज आप सबके साथ मिलने का बड़ी इच्छा हमारी घोषणा पत्र समिति को थी, क्योंकि 70 दिनों तक लगभग हमने मेहनत की, सुझाव सभी 90 विधानसभा से हमने मंगाए, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी जन जन से सुझाव हमने लिया। 3 अगस्त को आप सबके उपस्थिति में इसी हाल में हमने पूरे प्रदेश के सभी हमारे शीर्ष नेताओं के साथ एक बड़ा आयोजन करके इसकी लॉन्चिंग की थी घोषणा पत्र की, और तब से लगातार अनेक विधानसभा में हम प्रवास करते रहे, घोषणा पत्र समिति के सब सदस्य मिलकर, संयोजक सहसंयोजक मिलकर, और उसका प्रतिफल लगभग 2 लाख सुझाव विभिन्न माध्यमों से हमारे पास पहुंची और जिस पर लगातार बैठकें चल रही है और सभी सुझावों को हम सम्मानित ढंग से एकत्रित करके हर बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी वर्गों से हमने भेंट की है, चाहे फुटकर व्यापारी हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे ठेले घूमचे वाले हो, चाहे पाठ ठेला नई दुकान थोड़ी दुकान से लेकर पूरे बड़े उद्योगपति और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चे मिडिल स्कूल हाई स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ियों से भी हमने भेंट की, कलाकारों से भेंट की, रामायण मंडी से भेंट की, भजन मंडी से भेंट की, मंदिरों में और अन्य प्रकार के धार्मिक स्थलों में भी हम जाकर संपर्क किए। साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग हैं पीछे से लेकर अनियमित कर्मचारी से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारियों से हमने बातचीत भेंट की और उनके भी सुझाव जाने, बहुतायत विधानसभाओं में और जिलों में पत्रकार बंधुओं से भी हमने सुझाव लिए, उनके भी अच्छे सुझाव आए।